छतरपुर एक्सप्रेस। एसपी और छतरपुर डीएम के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। दिग्विजय सिंह बोले, नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के करीबी सलमान खान की मौत से प्रदेश में बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा ने भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया पर गाड़ी से कुचलकर हत्या करने के आरोप लगाए, जिसको लेकर खजुराहो थाने में अरविंद पटेरिया सहित करीब 20 लोगों पर धारा 302 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को खजुराहो परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मृतक सलमान खान का खजुराहो थाने के सामने शव रखकर धरना दिया गया था। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद रविवार की दोपहर को धरना समाप्त कर दिया गया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने बताया, अगर जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होती तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सर, क्या बातचीत हुई है? सर, क्या निर्णय निकला है? क्या सलूशन निकला है? ये जो अभी एक प्रकरण यहाँ पे 302 का दर्ज हुआ था थाना खजुराहो में, उसे लेके मृतक के परिजन और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ थाने में आए थे, जिसमें यहाँ मैं था और कल एडीएम साहब छतरपुर भी यहाँ उपस्थित थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इनकी सुरक्षा के लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए। इस ज्ञापन को ले लिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है शीघ्र। क्या धरना खत्म हो जाएगा? ऐसा ही आश्वस्त करके गए हैं कि चूंकि ज्ञापन हमने दे दिया है, ले लिया है और अब ये अपना इसका कफन दफन कर रहे हैं। ये जैसा मैंने बताया है कि मैंने उनको आश्वस्त किया है, ज्ञापन आपका ले लिया है और उसमें नियमानुसार हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। सर, क्या निर्णय हुआ है और क्या आश्वासन मिला है, कब तक ये धरना खत्म होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी प्रशासन के साथ, मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन सलमान के पिता, सलमान का छोटे भाई विक्रम सिंह जी नाती राजा, आलू चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सब लोग साथ गए थे। वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान ले जाने का जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊँगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है सख्ती से कार्रवाई करने का, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा इसको फिर से हमें इन पर धरने की कार्रवाई पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। प्रदेश में और भी जो घटना घटी उनके लिए क्या मांग? मैं यहाँ से सीधा रहेली जाऊँगा, जहाँ ज्योति पटेल के 6 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। मैं यहाँ से सीधा भोपाल नहीं जा रहा हूँ, रहेली जाऊँगा, जैसे यहाँ पर धरना हमारा खत्म होता है। आलोक जी, क्या निर्णय हुआ है, क्या ज्ञापन दिया है, कैसे क्या? देखिए, परिवारजनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या धरना खत्म हो जाएगा? दिया गया है सर, कोई समय दिया गया? नहीं, समय के तो वैसे ही पहले से दिए हुए हैं। क्या अभी आपकी बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से? क्या बात हुई है, क्या निर्णय लिया गया? एसपी महोदय छतरपुर के द्वारा परिवार के सदस्यों को, हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि एफआईआर में जो है उन तथ्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए और समय सीमा उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं सब फरारी की स्थिति में, तो समय सीमा अभी नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग आश्वस्त हैं कि कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। यदि सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग फिर बाध्य हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। आज धरना खत्म करेंगे आप? जी।